तो यार दोस्तों वो देखें, आप लोगों को इतने सारे कबूतर नज़र आ रहे हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं ये मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ये दिख रहे हैं आप लोगों को, ये देखें ये उड़े, तो अभी मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों ये कबूतर जो आप बैठे हुए दिख रहे हैं ना, तो ये बैठे हुए हैं हमारी रोटी की वजह से, क्योंकि हमजा बता रहा है कि जब मैं 70 आया, हमजा कहाँ बैठे हुए थे? यहाँ पे, ये सारे के सारे यहाँ पे बैठे हुए थे। तो इसका मतलब ये हमारी छत पे उतरने लग गए हैं और इन्होंने अपना नया डेरा जो बनाया है ना, वो बना लिया माशाल्लाह से इस टंकी को इनके सामने आलू की। तो अच्छी बात है यार, जब हम कबूतर अपने यहाँ पे पूरा सेटअप करेंगे ना बड़ा, तो इंशाल्लाह तो ये फिर आया करेंगे तो यार मज़ा आया करेगा। फिर हमारी छत पे कबूतर भी उतरा करेंगे, फिर हम नए नए तरीके के कबूतर पकड़ भी सकते हैं। पैर पकड़ना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आ गए कभी से दिल चाह कोई हमारे ऐसा बना हुआ पैर, तो उसको आराम से पकड़ के उनके साथ लगा दिया करेंगे। खैर यार दोस्तों, आज जो है ना दोस्तों, हमने सेटअप को ढका हुआ है यार, क्योंकि बहुत शिद्दत की ठंडी हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा हो रही है, तो हमने सुबह से ही हटाया ही नहीं था। और मैं जो हूँ ज़रा लेट हो गया था, तो हमजा ने बोला यार मैंने इसको हटाया नहीं, इसको बंद ही रहने दो, ताकि आज ना ये बंद ही रहे, थोड़ा सेटअप पे ना हवा तेज़ चल रही है और हमारे जितने कबूतर जा रहे हैं ना यार, वो अंडों पे भी बैठे हुए, तो उस वजह से ना वो बोल रहा है आज यार इनको ये जगह बंद ही रहने दो। मैंने चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। बाकी यार हमजा खाना पीना तैयार कर ले, तो इनको डालते हैं जल्दी से। और एक और चीज़ मैं देखने आया था, हमजा ने बताया था कि यार इनके किसी वक्त भी बच्चे निकल सकते हैं हमारे जो कबूतर हैं, तो यार ये बैठी भी तो है। अब हमजा ने कल देखा है, अभी मैं हमजा को बोल रहा हूँ, हमजा बोल रहा है नहीं चेक नहीं करना है, क्या पता तोड़ दे ये वो, तो अभी हमजा फारिग हो जाए, फिर मैं इसको बोलता हूँ यार एक अंडा दिखाए तो सही ज़रा कि है भी बच्चा या नहीं, कैसा है ज़रा हम देखें तो सही, और आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो कोशिश करता हूँ, हमजा ऐसा मेरे को मना कर रहा था, डांट रहा था, नहीं नहीं तुम तोड़वा मत देना, ख़राब करा दो, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे। ये रे भाई हमदा मोबाइल पकड़ो यार, दिखेंगे नहीं। अरे यार कुछ भी नहीं हो रहा, पता नहीं यार इसको क्या है दोस्तों, जब मैं कुछ चेक करने का बोलता ठंडे हाथ हो रहे हैं यार कसम से। नहीं कुछ नहीं हो रहा, शैल के अंदर बच्चे हैं, ऐसे नहीं मरने वाले, तुम चेक तो करवाओ। तो यार दोस्तों देखते हैं कि बच्चे कैसे हैं इनके, कहाँ कैसे रहे हैं, बोला अंडे में है, जल्दी निकालो, शैल में है नहीं है, काट रही है आराम से आराम से। अरे भाई इसमें चेक कराओ ना, आवाज़ सुनो, एक मैं इधर दिखाओ, आ रही है आवाज़, ये इधर रखो, तुम इसमें चेक करो ना, ये पकड़ लो मोबाइल को, ठीक ना हाथ तो हटाओ मेरे को, तो देख ले तो अकलमंद, हाथ ऐसे थोड़ी नजर आएगा, ये देखो है ये रहा ना, ये दिख नहीं रहा, ये देखो ये गौर से देखो, हिल नहीं रहा कुछ, कहाँ दिख रहा है यार, मुझे तो नहीं दिख रहा, एक मिनट रुको, इसमें तो नहीं दिखेगा मोबाइल में, मोबाइल में कल देखना, कल तुम बोल दो सरप्राइज आ जाएगा, पक्का है हाँ। तुम्हारे को लग रहा है भाई, हमजा दोस्तों गारंटीड दे रहा है, बोल रहा है कि इनके कल बेबी आ जाएंगे, अब देखते हैं, और अगर नहीं आए फिर ये तो भारी आ गई, ये लो चोंच पर ये है, ये देखें ये देखो क्रैक हुआ हुआ है हाँ, तो ये मतलब भाई दोस्तों बहुत जल्दी है ना मम्मा पापा बनने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है यार जल्दी, और बहुत जल्दी मतलब हमजा का कहना है कल ही माँ बाप बन जाएंगे ये, और पता नहीं कितनी मरतबा बन चुके हैं पहले, तो खैर खुशी हो रही है यार कि हमारे जो ये हैं इनके बच्चे बस जल्दी से आ जाए इनका, मेरे को यार बड़ा इंतज़ार था काफ़ी दिनों से यार। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत भूसा ही डाल दो यार, तोड़ ना दें अंडे गलती से। खैर दोस्तों वेट करते हैं और देखते हैं हमजा की प्रेडिक्शन सही है या गलत, बच्चे आते हैं या नहीं। हसन तुम्हारे को एक गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़? हाँ क्या, इन्होंने नहीं, इन्होंने एक अंडा और तोड़ दिया, ये गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ मेरे हिसाब से। कब तोड़ा? सुबह मैंने फेंका, फेंक भी दिया, फेंक दिया, टूटा हुआ था, छिलका था खाली, मतलब दो अंडे तोड़ दिए, दो अंडे तोड़ दिए, उसके अलावा दिए भी नहीं है दो के अलावा, और अभी भी अंदर बैठी है, बैठ रही है, पता नहीं क्या करें यार, इसका समझ से बाहर हो रहा है ना, लोटीनो एक अंडा फेंक दिया, इसके दो हो गए, ऊपर वाली के भी दो हो गए माशाल्लाह से, बताओ क्या करना है भाई, पड़ा रहने अब, देखते हैं अल्लाह मालिक आगे देखते हैं, यहाँ से ना मैं सच बात बताऊँ ना, यहाँ से आगे वहाँ नहीं आएगा, वहाँ नहीं आएगा यार, ये इनके बीच में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, मान लो बात, तुम मानो ना मानो दोस्तों, ये इनके बीच में ना सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन ये जगह सेफ है भाई इनके लिए, ये ऊपर तो सेफ है ना, ऊपर टंकी अंकी है, और हल दूसरा मेरे पास, बताओ क्या, इनको ढक के रखो, सीधा हल ये, इनको ढक के रखो, नहीं एक और हल है, मास्टर गेज, मास्टर गेज कितने में बनेगा, सस्ता है यार, 70,000 रुपये बताए थे एक बंदे ने। अच्छा हाँ चलो देखते हूँ कब बनवाना होगा, बाकी जब तक मास्टर की नहीं है मुझे लगता है हम इनके बच्चे नहीं देख पाएंगे, पता नहीं दोस्तों कब हमारी किस्मत खुलेगी जब हम इनके बच्चे देख पाएंगे, ये बैठा हुआ तुमने अपने उस पर न रहे ना, यहाँ
बड़ा प्यार करवाने आ गया बैठने, पता नहीं कब दोस्तों हमारे पास इनके अंडे आएंगे, उसके बाद बच्चे आएंगे और कब हमारी ये रौनकें बहाल होंगी। इनकी ये मिनी यार बड़ी बड़ दवेरी बनाएंगे, अब डायरेक्ट मास्टर केक में छोड़ेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें, दुआ भी करें साथ साथ कि हम मास्टर केक जल्दी बनाएं। तो ये मिनी अवेरी ना हमारी वहाँ जाए, ये सेटअप भी रहेगा लेकिन वो जल्दी करें हम इंशाल्लाह। तो यार हमजा ने जो ये बैड न्यूज़ दी है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसने दिमाग पूरा आगे पीछे कर दिया इस बात में कि यार मैं यकीन माने दोस्तों, मतलब एक हंसी खुशी रहते हैं, मजाक मस्ती में हम रहते हैं, पर यार फिर भी एक दिल में दुख होता है कि यार इतने टाइम से चीज़ रखी हुई है, उसका कम से कम बनता है यार इतना तो कि हो जल्द से जल्द आए, कुछ कोई खुशी तो मिले। बाकी दोस्तों हमारी जो कल मादी हमने छोड़ी थी माशाल्लाह, ये देखें काफ़ी सेट हो गई है, हमदा ने इसके लगा दिया था, सर का ज़ख्म भी सेट हो गया है, बस शुक्र है इसके ज़्यादा सुराग नहीं हुआ, सुराग हुआ है पर कम हुआ है, तो अल्लाह ने बहुत करम कर दिया है यार। और बाकी हमारे जो सुरखाब मियाँ हैं ना, वो अब अकेले खुश हैं, ये रहे अकेले, अब आप खुश हो बेटा? हाँ तुम अकेले रहने के लायक थे, सिंगल, इनको ना मिलनी नहीं थी बीवी, ये सिंगल ही सही थे दोस्तों, खुश थे ये। सोचो सिंगल हो गए, दिल से पूछो जो सिंगल है उनका क्या हाल है, मुझे हटा के भाई मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है। तो यार इनके बेबीज़ को हमने रैबिट्स के जो बेबीज़ हैं दोस्तों उनको फीड बीट करवा के बंद कर दिया है अब, और उनको मैं आप लोगों को मैंने बोला है ना दिखाऊंगा, पर अभी एकदम नहीं दिखाऊंगा, कुछ दिनों बाद दिखाऊंगा जब वो थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। खैर बाकी दोस्तों हमारी जो यार डव है ना, उसको देख देख के थोड़ा सा मैं परेशान हुआ था, जैक की पाँवों में यार, एक तो पाँवों में आने में रहती है मेरे, ये देखें घूमे जा रही है। खैर मैं आपको दिखाया था दोस्तों डव, तो डव जो है ना दोस्तों उसके लिए भी दुआ करें। कहाँ गई भाई? अरे अभी तो बीमार पड़ी हुई थी, अभी उड़ी है इतनी तेज तेज। इनमें एक डव आप लोगों को याद होगी जो हमारी काफ़ी सुस्त हुई हुई थी, तो वो डव ना बहुत ज़्यादा मतलब कभी सुस्त होकर बैठ रही है, कभी चल रही है, कभी सुस्त हो रही है, कभी भाग रही है, समझ नहीं आ रहा सेट है या नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। हम ना मगरिब हो जाए, इनको बंद करना बंद शुरू करो अब, बाकी दोस्तों इनको भी खोलना है और हमारे सेपरेट चिकन भी खुलेंगे। और इनसे यार मुझे एक चीज़ का ख़तरा होने लग गया है, ये दोस्तों ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं यार अक्सर, तो हमजा और मैं ना बहुत चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी का गेट बजाओ मांगो यार वो हमारा मुर्गा आ गया, ये वो फलाने ने भागा, तो इस वजह से अब इनको ना हम ना इनको खोल दूँ पहले, है ना? चलो भाई आ जाओ, चले भाई दोस्तों। अड़े भाई जैकी पे चढ़ गई, अड़े 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 यार ये तो मारने पे तुली रहती है ना, क्यों छोटे थे पिद्दे से तो हो तुम दोनों, हैं जाओ पानी वानी पियो खाओ पियो, उसके पीछे लग जाएंगे रैबिट को, इतना गंदा मारते हैं और इतने से यकीन माने जिस दिन रैबिट ने हमला करा ना हमला ऐसे दबा देंगे रैबिट, हैं छोटे से तो हैं इतने इतने मिनी पैक। क्या हुआ कल? कल क्या? अच्छा तुम्हें पक्का है, गारंटी है? गारंटी है इसकी? कैसे और नहीं हो कल बच्चे फिर कितने कितने की हैं? कितने कितने लगा लो? हो जाए समोसे की तो बेटा समोसा भी मिल रहा है ना, इसमें बड़ी बात है, कुछ बताए दोस्तों समोसे की बात कर दी। आदिल बेकरी के दो पेटीज, गरीब आदमी आदिल बेकरी के पेटीज पे शक बिक गया दोस्तों, देखें बस आदिल बेकरी की पेटीज तक इसकी ना वो है क्या बोलते हैं पहुंच, इसको पता है ना मैं वही खिला सकता हूँ, वो भी 25 का है समोसा भी 25 का है, मेरे पेटिस भाई ये बोल रहा है दोस्तों। बाकी मेरे को ना शक हो रहा है, मैं इससे इसलिए शर्त नहीं लगा रहा क्योंकि वाकई में उसने ना क्रैक कर दिया है, हो सकता है कल बच्चे आ जाएं। नहीं भाई नहीं, मैं भी नहीं लगा रहा क्योंकि मैं समझ गया हूँ बच्चे निकाल देगी, और अगर वो बच्चे अल्लाह ना करे दोस्तों शैल में, अल्लाह ना करे मुझे डर हो रहा मार ना जाए यार, अबे यार मार ना दें, पहले भी ऐसा हो चुका है, छिलके होगा ना कल तुम्हारे टूटे हुए छिलके बाहर मिलेंगे और यार अल्लाह करे यार। बस चलें दोस्तों, इसने गारंटी दी है भाई इस चीज की, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर मालिक है। तो यार मगरिब होने को आ गई है दोस्तों और सूरज ढलते जा रहा है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल गर्मे शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।